इसी खूबसूरत जगह से अब अलविदा कहते हैं। और ये प्यारा सा होटल है जहां हम रुके थे, छोटा सा कैंप था पीछे तरफ। सुबह हो गई है और हम फ्रेश हो गए हैं और हम निकलेंगे शिमला के लिए। आपको लग रहा होगा कौन बोल रहे हैं, तो देख लो, हम ही हैं जीरा टिटू रॉयल। और यहाँ देखो बहुत प्यारे प्यारे बर्ड हैं। अब आसपास का नज़ारा तो देखो, मॉर्निंग का बहुत गजब का व्यू आता है यहाँ। और हमारे एक भाई उधर ब्रश करने गए हैं, तो हम भी अपना ब्रश लेकर उधर चले गए। और यहाँ नेचुरल पानी आ रहा है वाटरफॉल से, नेचुरल पानी आ रहा है यहाँ पर। फ्रेश होते हैं और हम आपको बताते हैं कि आगे नेक्स्ट सफ़र कैसा रहा। ठंड है, मुंह में डालते ही पूरे दांत किनकिना जाता है, पूरे दांत हड्डी गला देने वाली ठंड है यहाँ। हाथ का एहसास ही नहीं होता, मुंह धोने के बाद मुंह का एहसास नहीं होता, और क्या धोने के बाद क्या क्या एहसास होता आपको पता है। तो हम नहाएंगे तो नहीं, और भाई की तो हालत ख़राब हो गई है, बोलता है चैलेंज करें नहा के दिखा करके। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं। ये था हमारा टेंट, सभी दोस्त फटाफट रेडी हो रहे हैं। रेंट का टेंट था, सस्ता था। और अब हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता का आपको बताते हैं। दोस्तों ये है हमारे सुबह का नाश्ता, और हम सरचू में यहाँ रात को डिनर भी किए थे और ये नाश्ता भी हो रहा है। और हम यहाँ से निकलेंगे शिमला की ओर, तो आपको दिखाते हैं शिमला का नज़ारा। इसी खूबसूरत जगह से अब अलविदा कहते हैं। और ये प्यारा सा होटल है जहाँ हम रुके थे, छोटा सा कैंप था पीछे तरफ। और सभी राइडर दोस्त रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। और ये प्यारा सा होटल था जिसमें घर टाइप का खाना मिला हमको। जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और इस खूबसूरत वादियों को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई लोग, आप लोग का गाड़ी जल्दी से बन जाए, गुड लक। वादियों को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करें, हमको तो इससे और अच्छी अच्छी वादियाँ देखने मिलेगी। मनाली जाना है वापसी। नीचे की छोटा सा वाटर क्रॉसिंग पड़ रहा है जिसको हमको पार करना होगा। मनाली 222 किलोमीटर, सरचू 0। आपका वाटर क्रॉसिंग इधर के लिए आम बात है।
जबकि गाड़ी क्रॉस हो गई दोस्तों, अब निकलते हैं सरसू से। अब आगे का रास्ता बहुत ही अच्छा है ऐसा सुनाई दिया गया है, सुनाई मिला है हमको, आगे का रास्ता बहुत अच्छा है। बाय बाय सरसू। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ चालू हो जाता है क्या? यहीं से है तो नेटवर्क आ जाएगा मोबाइल में? नेटवर्क आएगा के बाद। चलो 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 चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, ये बॉर्डर है समझ जाओ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच का। और हम निकलते हैं दिल्ली, 782 किलोमीटर है और बाकी तो देख सकते हो आप क्या क्या लिखा हुआ है। मनाली 222 किलोमीटर है यहाँ से। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। अब हम हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देखो वाटर क्रॉसिंग कार कर, ये पानी इतनी ठंडी पानी है वाट लग जाएगी यार। दोस्तों आप देख सकते हो सामने पहाड़ पे स्नो जमी हुई है और सभी हमारे राइडर दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यहाँ पास कितना फीट, 4000 कुछ फीट ऊपर है हम लोग, 16000 फीट में है। और इधर गजब का व्यू देख सकते हो आप, इधर देखो कितनी जबरदस्त बादलों की, देखो तो बादलों की वाह। तो देख सकते हो आप चारों तरफ स्नो ही स्नो है और यहाँ पर बहुत प्यारा सा झील है जिसकी वाटर पूरा ब्लू ब्लू दिख रही है। और इधर भी स्नो है, इधर भी स्नो है, उधर बर्फ जमी हुई है। क्रॉसिंग आ गया है, सभी दोस्त रात में पार कर रहे हैं। ये गजब का वाटर क्रॉसिंग है, बड़ी सी इंजन की चोट पहुंचे हैं। यार इधर से जाते हैं साइड से, बार बार ये वाटर क्रॉसिंग सामने आ जाता है। Thank you.
प्यारा सा रिवर देख सकते हो। दोस्त अभी एक प्यारे से झील पर है और सभी इस झील का मजा ले रहे हैं, और गोपी भी है और अपना सागर भाई और पुष्पराज भाई है, और इन वादियों में इन झीलों का कुछ अलग ही मजा है। अब यहाँ जो बंजर पहाड़ थे उसमें हरे हरे घास उगना चालू हो गया है, क्योंकि हम जो है कि हम हिमाचल प्रदेश में हैं और यहाँ की ऊंचाई थोड़ी नीची है, क्योंकि जितना ऊपर जाते जाते वहाँ पौधे नहीं मिलते, उधर जितना नीचे जाएंगे समुद्र तल से फिर बहुत सारे पौधे मिलना चालू हो जाते हैं। वादी आती है, होना चालू हो गई है, हरी भरी वादियों का आपको नज़ारा दिखाते हैं, और यहाँ बहुत ही शानदार वाटरफॉल है जिसको हमको क्रॉस करना होगा। ये देखते हैं क्रॉस कर लिए वाटरफॉल, और अब वादियाँ हरी भरी तो लग रही है, साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर भी अब नॉर्मल होने लगा है, क्योंकि हम पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, 17,000 की ऊंचाई पर से अब वहाँ से नीचे आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी करीबन हम 14,000 से 13,000 फीट पर हैं। ये वाटरफॉल देख सकते हो, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। हमको इसको क्रॉस करना है, यह है प्यारा सा वाटरफॉल। वाह, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, और इधर देखो कितना ज़बरदस्त है वाटरफॉल। रुकना भाई भाई भाई